हाईवे पर चिपके ये लोथड़े, खून से सनी ये सड़क, ये उस खौफनाक मंजर की तस्वीरें हैं जिसने 122 लोगों को अपने आगोश में समेटा है। यानी 122 लोगों ने इसी हाईवे पर दम तोड़ दिया। किसी का भाई चला गया तो किसी का बेटा, किसी की बहन तो किसी की माँ। तस्वीरें काफी हैं ये बयां करने के लिए कि इस हाईवे पर हादसे के बाद शरीर के टुकड़ों को कैसे समेटा जाता है। दरअसल ये वो मौत का हाईवे है जिस पर हर रोज किसी न किसी की मौत होती है। ये हमीरपुर का जो राष्ट्रीय राजमार्ग NH86 है, ये खूनी हाईवे है। यहाँ अनगिनतिन सैकड़ों पर डे 10-15 हादसे होते हैं। कहते हैं कि तस्वीरें बोलती हैं, वाकई बोलती हैं, क्योंकि इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस हाईवे को मौत का हाईवे क्यों कहा जाता है। आंकड़ों के मुताबिक इस साल अब तक हादसों के 216 मुकदमे दर्ज हुए हैं। स्थानीय सांसद ने भी लोकसभा में इस खूनी सड़क का मामला उठाया था, लेकिन उसके बाद भी सड़क हादसों को रोकने के लिए कोई ठोस पहल नहीं की गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी इस हाईवे के 4-लेन निर्माण की स्वीकृति दे दी थी, लेकिन अरसा बीतने के बाद भी DPR का काम पूरा नहीं हो पाया है। सरकार से आपके माध्यम से विनम्र निवेदन है, हमारे यहाँ वो जब से वो BOT प्रोजेक्ट से सड़क बनी है उस पर मतलब 2-लेन रोड बनी है, कोई महीना बाकी नहीं जाता जिस महीने में 4-5 वहां के क्षेत्रीय नौजवानों के और लोगों के दुर्घटना में मृत्यु ना हो। वहां के जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को नौकरी में लगाया, वो आसपास भरुआ, सुमेरपुर, मौदाहा, हमीरपुर, कबरई, महोबा जो जाना चाहते हैं, वो दिन प्रतिदिन रोज दुर्घटनाएं घट रही हैं। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन है कि उसको जो 4-लेन किया गया है, कम से कम 5 उसको पहले 4-लेन सागर से लेके कबरई तक उसको 4-लेन कर दे। डिवाइडर न होने की वजह से यहाँ जरा सी चूक इंसानी जान पर भारी पड़ती है। हालांकि हाईवे पर ट्रैफिक लोड देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने डिवाइडर बनवाने के लिए NHI के अधिकारियों को कई दफा खत भी लिखा, लेकिन कागजों से शुरू हुई बात कागजों पर ही खत्म हो गई। NHI से हमारी बात हुई, उनके जो यहाँ पर प्रबंधक हैं, वहाँ डिवाइड ये स्पीड ब्रेकर की बात हुई, गति अवरोधक की, तो उन्होंने बताया कि नहीं, ये स्थानीय स्तर पर संभव नहीं है। तो जब तक सड़क का चौड़ीकरण नहीं होगा और सड़क के चौड़ीकरण के साथ साथ कुछ हमारे हॉट स्पॉट हैं जहाँ की सड़क दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, हमीरपुर बेतवा पुल से ये लेकर के और मौदहा के बड़ा चौराहा तक, ये स्थिति काफ़ी गंभीर है और लगातार सड़क दुर्घटनाएं आए दिन होती रहती हैं जिसमें कि लोगों की मृत्यु भी होती है। हाल ये है कि अब NH34 पर ट्रकों के बेतरतीब चलने की वजह से स्थानीय लोगों को इस हाईवे पर चलने से डर लगता है और लगे भी कि ना जिंदगी सबको प्यारी है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार वो दिन कब आएगा जब इस हाईवे को 4-लेन किया जाएगा ताकि मौत के आंकड़ों में इजाफे की जगह कमी आ सके। इस 2-लेन हाईवे में डिवाइडर न होने की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन आज तक शासन प्रशासन के लगातार जद्दोजहद के बावजूद इस रोड पर डिवाइडर नहीं बन सका है। हमीरपुर से इतनी, भारत के लिए अमित मिश्रा।